नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत भी उसी को सहना पड़ता है। और चाहे में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी कम ही रखना चाहिए और अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वहम भी नहीं रखना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, लोगों ने मुझे बताया था कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। और जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वे सभी सुविधाओं के साथ भी दुखी नजर आएगा। और संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरा होता है। और दोस्तों, रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, और दुआएं उसी से लेना जो दुआएं दिल से दे, रिश्ता भी उसी से रखना जो रिश्ते का मोल समझे। और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और बड़ा आदमी अगर बनना हो तो छोटी हरकतें कभी मत करना। और इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू की जाती है। और लाइफ में लोगों जैसी है, नंबर क्या आने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन अगला मूव क्या होगा ये हमारे हाथ में है। और दोस्तों, असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। और धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का लेखक है और वो तुम्हारे लिए कुछ बुरा होने नहीं देगा। और स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत को तो इंसान खुद कुछ सीख सकता है। और सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। और चिंता चतुराई को और दुख शरीर को और पाप लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। और हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से चिंगे की शुरुआत होती है। और किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि ये मतलब है कि उसे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। और जरूरी नहीं है कि काम से ही इंसान थक जाए, कुछ ख्यालों का बोझ भी इंसान को थका देता है। और हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच में होता है। और अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। अर्थात अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करने की मत सोचो, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचो। जब वो हासिल हो जाएंगे तो वह समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएगा। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने और ना रहने से पृथ्वी और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर और वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू कर दो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो में क्या आपको पॉइंट अच्छी लगी। और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।